ये लाल किला शाहजहाँ ने बनाया 1648 में, 9 साल 3 महीने समय लगा, 10 साल उन्होंने काम किया। शाहजहाँ इससे पहले आगरा रहते थे, दिल्ली आए, दिल्ली में नया शहर बनाया शाहजहाँबाद, जो उसको ओल्ड दिल्ली बोला जाता है, उसी शहर में किला जहाँ बादशाह रहते थे। बाहर की तरफ दीवार है 100 फुट ऊंची दीवार, वो देखिए हेलमेट का डिज़ाइन बनाया गया, यहाँ से गर्म तेल फेंका जाता था, पॉइजनस एरोस मारे जाते थे, कोई दीवार भी नहीं चढ़ी। बाहर खाई होता था, पानी होता था, मगरमच्छ होते थे, 30 फुट गहरी खाई है। ये किला लाल पत्थर से बना, इसलिए लाल किला बोला जाता है। यहाँ पे ये दरवाज़ा, यहाँ पे देखिए पुल होता था, ये लकड़ी का पुल फोल्ड हो जाता था, ब्रिटिश टाइम में परमानेंट कर दिया गया। आइए अंदर एंट्री करते हैं। ओके फ्रेंड, वेलकम टू रेड फोर्ट। माय नेम इज अमित कुमार, मैं आपका गाइड फॉर द रेड फोर्ट। वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2007 में इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऊपर देखिए 7 डोम्स बनाए गए, 7 गुंबद। इन कुरान देखता हूँ 7 पैराडाइज, दिस शोज दैट शाहजहाँ बिलीव ही वाज लिविंग 7 पैराडाइज। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे हियर, यू कैन सी व्हाइट पोल ओवर हियर ऑन दिस साइड। आवर प्लान टू गिव द स्पीच August 1947, we got independence. From that year onwards, every year we celebrate independence here. ये किला जो है, देखिए इसका डिजाइन ईरानियों ने करा, हमीदुल हमल, उन्होंने इसका नक्शा बनाया, 10,000 उन्होंने काम किया, उसमें हिंदुस्तानी, ईरानी, इटालियन सब ने मिलकर काम किया। इसमें दो दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से आएंगे, दरवाजे का नाम है लाहौरी दरवाजा, इसका मुंह लाहौर की तरफ पब्लिक के लिए बनाया गया। एक दूसरा दरवाजा है दिल्ली दरवाजा, पार्किंग के पास हमारे VIP, हमारे प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं झंडा कर। ये किले का नक्शा देख सकते हैं, मैप ऑफ द रेड फोर्ट, 20 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ये लोग और इधर इंडियन आर्मी का भी इसको दिया गया रेजिमेंट के नाम। 1947 ऑनवर्ड 2003 यहाँ इंडियन आर्मी रही, अब नहीं है इंडियन आर्मी। ये किला लाल पत्थर से बना, इसलिए लाल किला बोला गया। ओरिजिनली नाम इसका किला ही मुबारक था, किला ही मुबारक मतलब जो रहे खुश रहे आबाद रहे। तो ये मेन लाहौरी दरवाजा है जहाँ से पब्लिक आती थी उस जमाने में, आज भी यहाँ से पब्लिक आती है। 1857 जब ब्रिटिश आर्मी आई तो उन्होंने गोलियां चलाई, ये देखिए गोली हुआ निशान आप बुलेट मार। अंदर ही बाजार है, उस बाजार उस जमाने का बाजार, इस बाजार का नाम था छक्का बाजार, छत वाली मार्केट, जिसको मीना बाजार ही बोला जाता है, दिल्ली का मशहूर मीना बाजार। इसकी बात होती है ये वही महंगा बाजार है, मुगल समय में नीचे कपड़े मिलते हैं, ऊपर ज्वेलरी मिलती थी। ब्रिटिश टाइम की दुकानें कुछ किराए पे दी गई, इन दुकानों में किराया आज की डेट में सबसे कम है, 16 रुपये से शुरू है किराया। अभी इनका रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है, इसलिए ये अब देख रहे हैं कोल्डिंग लगाई गई है। हम तो
ये सेंटर पॉइंट था मार्केट का, इसको बोलते छत्ता चौक। ये देखिए अष्टभुजी ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ छेद है, इससे लाइट आता था गर्म और ठंडी हवा, देखिए हवा अंदर आती थी। मुगल टाइम में सारी पूरी मार्केट में पेंटिंग होती थी, पेंटिंग आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, देखिए पेंटिंग नाम नजर आएंगी। उस जमाने में हर कोने पे स्टेयर्स होती थी, सीढ़ियों के ऊपर जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टेयर है, एक इस कोने पे है, एक इस कोने पे है, सीढ़ियाँ होती थी एक उस साइड में है, ऐसे हर कॉर्नर। '57 में जब ब्रिटिश आई आर्मी यहाँ रहने लगी, 70% एरिया उन्होंने तोड़ा, बिल्डिंग डिमोलिश करी, लेफ्ट साइड में देखिए ब्रिटिश बैरक। और राइट साइड में आप बंगले देख सकते हैं, बंगलोस हैं, ब्रिटिश ऑफिसर रहते थे, बाद में इंडियन आर्मी के ऑफिसर रहते थे। अंदर एरिया लगभग 2.41 किलोमीटर का एरिया है, वहां से हम लोग एंट्री करेंगे किले में, उस दरवाजे का नाम है नौबत खाना। नौबत खाना का मतलब होता है ड्रम हाउस। मुगल टाइम में ऊपर नगाड़े शहनाई बजती थी, पांच दफा जो है म्यूजिक बजाया जाता था, वेलकम किया जाता था, हर किसी को वहाँ पे हाथी घोड़े से उतर के पैदल जाना पड़ता था, एक्सेप्ट द रॉयल फैमिली हाथी घोड़े पे। तो आप देख सकते हैं वो दरवाजा वाइट है फ्रेंड्स, ये लाल किला पूरा अंदर से वाइट, शाहजहां जब भी बिल्डिंग में बनाते थे वाइट बनाते थे, शाहजहां भी वाइट मार्बल में बनाया गया, तो उसके प्लास्टर वाइट लाइन प्लास्टर चढ़ाया गया लाल पत्थर पे। तो लाल पत्थर है ये आगरा से लाया गया। आप ऊपर खिड़कियां देख सकते हैं, खिड़कियां अंग्रेजों ने लगाई, कवर कर दिया, म्यूजियम बना दिया गया ऊपर बाद में, वॉर मेमोरियल म्यूजियम है। कलर यूज किया गया देखिए, बड़ा शानदार कलर है, यहाँ पे नेचुरल डाइस है, ये फूलों से पत्थरों से कलर लेते थे। यहीं पे हमारा टिकट चेक पॉइंट यहाँ पे एंट्री शुरू हुआ। Thank you.
कहाँ जा रही है? फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मार्केट ऑफ कार्विंग है, पूरी कार्विंग है, व्हाइट क्लास पे चढ़ाया गया इसे। इसी जमाने में गोल्ड यूज किया गया था फूलों पे, पत्तों पे, गोल्ड रियल गोल्ड को यूज करके हाईलाइट किया गया, गोल्ड उतार लिया गया बाद में जब भी अटैक हुए बहुत क्षतिग्रस्त हुआ। यहाँ पे एक चीज नोट करके आते हैं, सारे फूल यहाँ खिले हुए नजर आ रहे हैं, आशा रहते थे ये हर किसी खुशी के माहौल में। ताजमहल पे जाएंगे, फूल पत्तियां मुरझाई मिलेंगी, आप देखेंगे दुख का माहौल बनाया गया। सामने दीवाने आम देख सकते हैं आप, जनता दरबार लगता था, बादशाह अंदर बैठ के हिसाब देते थे। आप सामने की तरफ देखिए, 9 आर्टिस्ट, 9 नंबर देखिए, 36 का नंबर, 1 का नंबर है, टोटल 99 नाम है अल्लाह के कुरान में, 9 नंबर वहां से लिया गया। बादशाह अंदर अपने खुदा की परछाई बोलते हैं, हिसाब देते थे। 9 नंबर हिंदू धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए 18 अध्याय है गीता महाभारत में, 9 ग्रह की पूजा की जाती है, 108 नाम है भगवान शिव, तो 9 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बादशाह अंदर अपने खुदा की परछाई बोलते हैं, हिसाब देते थे। ये बिल्डिंग पूरा व्हाइट था उस जमाने में, और रंगीन इससे ही पेंटिंग करी हुई जो बाद में उतार ली है। आइए अंदर चलेंगे हम लोग, तो ये पूरा मार्बल था इस साइड में, पूरा ग्राउंड पहले घास में थी, पूरा मार्बल था जो बाद में हटाया गया जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे रही, तो सारा मार्बल वगैरह सब हटाया गया। कहते हैं ये मार्बल कलकत्ता ले जाया गया, वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल में इस्तेमाल किया गया। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बाहर आर्टिस्ट के ऊपर रिंग्स लगे हुए हैं, ये पर्दों के लिए होते थे, पर्दे लगे होते थे सिल्क और वेलवेट, बड़ा शानदार उसमें सोने के धागे से एम्ब्रॉयडरी होती थी। पूरी बिल्डिंग देखिए खंभों पे थी, लगभग 40 खंभे हैं इसके अंदर, अंदर मार्बल का सिंहासन है जहाँ बादशाह बैठे हैं। ये प्लेटफॉर्म पे डिजाइन बनाया गया, देखिए डिजाइन बनाने का फायदा क्या होता था, दूर से ऐसा लगता था कारपेट बिछा हुआ है, इसके भी सफेद चूना व्हाइट प्लास्टर होता था और गोल्ड से आउटलाइन की जाती थी कार्विंग से। ये पिलर से देखिए छेद नजर आएंगे, इसे सोने की रेलिंग होती थी, रेलिंग से कवर होता था पूरा बिल्डिंग।
राजा वहाँ ऊपर बैठते थे मार्बल के सिंहासन में, इसको नाम दिया गया नरसिंह मंदिरे इलाही, इसका मतलब था यहाँ जो बैठा वो खुदा की परछाई है। इनके बेंच पे वजीर खड़ा होता था, बाकी मंत्री यहाँ खड़े होते थे। ये जो मार्बल का जो बनाया या सिंहासन, ये इसका जो स्टाइल है, देखिए ये बंगाल रूप स्टाइल होते बंगाली कारीगरों ने इसका डिजाइन बनाया, इसे नक्काशी करेंगे। तो बादशाह को देखिए बाहर नजर आता, पीछे मुड़ के देखेंगे उस साइड में सारे दरवाजे देखिए बिल्कुल सीध में बनाए सिमेट्रिक। ये देखो आप देखिए जहाँ से हम लोग आए हैं सारे दरवाजे बिल्कुल सीट में बनाए, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल पर करती थी मुगल बिल्डिंग्स में, सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बादशाह के सिंहासन के सीट में ही सारे में दरवाजे लगाए साइड। देखिए इस मार्बल पर ध्यान से देखिए फूल पत्तियां जो बनी है, स्टोन्स है मार्बल में डाले गए, इस काम को बोलते हैं पीतरा दियोरा वर्क, ये कैलिंग वर्क है करने ने डाला है, उसका नाम था ऑस्टिन डी डॉर्जियो। यही काम ताजमहल में रिपीट किया गया, दोनों सब खिड़कियां जहाँ से रानी देखती थी लेडीज को सामने आना मना होता था। ये नीचे देखिए एक कमरा बनाया गया छोटा सा जहाँ पर एक कैदी खड़ा होता था, प्रिजनर सजाए मिलती थी, सजाए मौत तो यहाँ पे दे दी जाती थी पब्लिक के सामने। तो सिर्फ दो घंटे के लिए बादशाह यहाँ बैठ के देखिए इंसाफ देते थे। पीछे मार्बल का दरवाजा है जहाँ से बादशाह एंट्री करते थे, उसके साइड में देखिए काले पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई है, डिजाइन बने हुए हैं पक्षियों के। ये पक्षी देखिए इमेजिनेशन से बनाया गया गोला जैसा, ये पक्षी गन्नत स्वर के हैं धरती में नजर नहीं आते, सारे स्टोन से बनाया गया इनले करके। यहाँ से आप देखेंगे सारे खंभे नजर आएंगे, ऐसा बनाया गया बादशाह को अपनी एक ही नज़र में सारे मंत्री नजर आते। फेमस मूवी हिंदी मूवी जोधा अकबर का शूटिंग भी यही हुआ है, वना कहते 200 से ज़्यादा फिल्मों का शूटिंग हो चुका है लाल किले। ऊपर की तरफ रोशन दान होते थे, आप देख सकते हैं बल्ब लगा दिए हम लोगों ने, वहाँ से लाइट आता था और हवा गर्म हवा निकलता रहता था। मुगल टाइम में देखिए यहाँ पीछे दीवार होता था, तोड़ दिया गया दीवार, 10 फुट लगभग ऊंचा दीवार था, गेट होता था, गेट पे एंट्री होती थी, किसी भी आदमी को पीछे जाना मना होता था। तो ये मुगलों टाइम में देखिए ये प्राइवेट एरिया होता था, उनकी रानियां उनकी दासियां बादशाह रहते थे यहाँ पे। रानियां सामने वाले महल में रहती थी, कोने में देख सकते हैं महल, इस महल का नाम मुमताज महल पैलेस, ये उनकी फेवरेट रानी के नाम पे इनका नाम रखा गया। यहाँ पे फेवरेट रानी थी मुमताज महल जो 1631 में मरी, 1631 में तो वो 14 बच्चे जन्म देती थी, उनके लिए ताजमहल बनाया गया यहाँ है, तो उन्होंने इस महल का नाम उनके नाम पे रखा। बाकी रानियां उनके साथ दासियां कहते लगभग 2000 दासियां थी उनके हरम में, यहाँ अपार्टमेंट थे जो तोड़ दिए गए बाद में। कई बार बादशाह यहाँ पे देखिए नहा लेते थे, बीच में तालाब भी बनाया गया। इस पूरे एरिया को देखिए लेडीज गार्ड और यूनिट्स बोलते हैं वो लोग संभालते थे। सिंगल स्टोन का देखिए मार्बल का बेसिन बनाया गया बादशाह के सेट में, साइडों में सीट्स होती थी, उनकी दाती में पानी में खेलते थे, वाटर गेम्स खेलती थी यहाँ पे।
ये सारे महल किले की दीवार में बनाए गए, इसके पीछे उस जमाने में यमुना नदी बहती थी। यमुना नदी 1 किलोमीटर आगे फिर तक, ये बाहर की तरफ देखिए पूल दे सकते हैं, रोज पेटल स्केप में पूल बने हुए हैं डेकोरेशन के लिए। पानी जो आता था यहाँ पे तालाब में, ये नदी से आता था पानी, बादशाह ने इस्तेमाल किया नहाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम था जो पानी को पुरानी दिल्ली में फेंकता, उस पानी को पब्लिक इस्तेमाल कर लेती थी अमृत मान, तो पानी जो है इस्तेमाल किया हुआ पब्लिक को, बाकी पानी जो है वापस नदी में फेंक दिया जाता था। पानी जो है कोने से उठाया जाता था एक बड़े पहिए के द्वारा, उसको परकिन व्हील बोलते हैं, और नहर रूप में देखिए पानी महलों के अंदर से जाता था, उससे महल ठंडे रहते थे। उस चैनल को बोला गया कैनल ऑफ पैराडाइज, नहर बही उससे महल ठंडे रहते थे, कोई पानी यहाँ डाइवर्ट होता था। जैसे चैनल देख रहे हैं ना, ऐसे चैनल अंदर चलता था, जिसको बोला गया नहरे वही जन्नत में बहने वाली नहर। सामने जो महल नजर आ रहा है ये रंग महल था, यहाँ पे देखिए एंटरटेनमेंट होता था, नाचने गाने वाले दुनिया भर से बुलाए जाते थे बादशाह का मनोरंजन करने के लिए। ये पूरा पहले बड़ा रंगीन था, रंगीन पेंटिंग आप देख सकते हैं आज के से अभी भी है। आज के से देख सकते हैं पेंटिंग बड़ी शानदार है, पेंटिंग से देखिए बादशाह का देखिए मूड खिल जाता था, नाच जाने के लिए वो इंटरेस्टेड हो जाते थे। अंदर देखिए फाउंटेन बनाएगा कमल शेप का, ताकि मॉल ठंडा रहे अंदर, अंदर पूरा एरिया काफी ठंडा रहे। ये ब्लैक लाइंस बनाई गई, इससे वेव का इंप्रेशन आता था, ऐसा लगता था पानी में वेव उठ रही है। ये झरना था, पानी यहाँ गैस गिरता था, छोटे छोटे झरोके नजर आ रहे हैं, यहाँ दिए रखते थे ऑयल लैंप्स, रात में दिन में सोने के फूल डालने 24 घंटे पानी बहता रहता। इसके अलावा देखिए कोनों पे देखिए फिश पैन बनाया गया, शीशे लगाए गए, शीशे बेल्जियम से लेकर आए, रात में अंदर नाच जाना होता था, शीशे अभी आपको थोड़े बहुत नजर आएंगे, अंदर जाना अभी मना किया गया है, रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, दिन के समय बीच में होता था। इसके अलावा इसमें बेसमेंट भी बनाया गया, बेसमेंट में देखिए जब गर्मी और ठंड हो तो बेसमेंट में एंजॉयमेंट कर लिया जाता था। इस महल को इम्तियाज महल भी बोलते हैं, तो पैलेस ऑफ डिस्टिंक्शन। ये रास्ता था बेसमेंट में जाने का, बंद करके कहते हैं इसमें ब्रिटिश हथियार रखे हुए हैं, अभी भी भारत सरकार ने सील किया हुआ था। ये बालकनी थी देखिए, जहाँ बादशाह सुबह सुबह खड़े होते थे दर्शन देने के लिए, जनता के लिए भी से आती थी उनको बताने के लिए खड़े होते थे कि मैं जिंदा हूँ, आप सुरक्षित हैं। रोजाना ये प्रमाण दिया जाता था पब्लिक को। पीछे नदी बहती थी, नदी अब 1 किलोमीटर आगे लगभग हो गई है, अब मेन रोड है रिंग रोड। दिन के समय किले में युद्ध होता था हाथियों शेरों में, ताकि बच्चे देख सकें यहाँ से सीख सकें। ये देखिए बादशाह का शाहजहां का महल था, इसका नाम है खास महल, इसका नाम है लिविंग रूम, बैठक टीम की लेफ्ट साइड में उनका आराम करने का कमरा है, और उसके गुम्बद की नमाज। अब देख सकते हैं यहाँ चढ़ के बड़ा अच्छा पर्सन डिजाइन बनाया गया, किले में कितना खत्ता हुआ, किसने बनाया, सब इसमें लिखा गया पार्थी में। ये पार्थी की देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये लोग मंगोलियन थे, पर देखिए पार्थी भाषा को बनाया इन्होंने, चंगेज खान और देखिए तिमूर लंग के वंशज थे ये लोग। इसके आप देख सकते हैं मेन रोड है, जो मेन रोड है वही लोकेशन थी नदी, यमुना नदी किसी जमाने में वहीं बहती थी, अब इसको रिंग रोड बोला जाता है।
ये यमुना गेट था, रिवर गेट, नदी में जाना तो बादशाह यहाँ से जाते थे, फिर रॉयल फैमिली जा सकती थी, अभी बंद किया हुआ है। कहते हैं जब किला बंद तैयार हुआ 1648 में, जो बादशाह शाहजहां इसी दरवाजे से आए थे, और पर खिड़की है वहाँ से उनके बड़े लड़के दारा सिक्कों ने सोने के सिक्के बरसाए, उनका वेलकम किया गया। इस पूरे किले को दुल्हन की तरफ सजाया गया, 9 दिन यहाँ पे जश्न मनाया गया, सेलिब्रेशन हुआ बहुत बड़ा, हर कारीगर को इनाम बांटे गए। दीवाने खास था, यहाँ पे अपने मंत्रियों से मीटिंग करते थे, सिलेक्टेड लोग आते थे, पूरा मार्बल इस्तेमाल किया गया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मार्बल है, ये राजस्थान से लाया गया, मकराना से, हर खंबे पे इटालियन वर्क किया गया। देखिए ये डिजाइन नजर आ रहा है आपको, ये पीतरा दोरा वर्क जो मैंने आपको दिखाया दीवाने आम में, यही आप ताजमहल देख पाते हैं। बाहर की तरफ कुंडे हैं, यहाँ से पर्दे होते हैं सिल्क और वेलवेट के। फ्रेंड्स आप देखते हैं ये हमाम बाथरूम, खिड़की से आप देख पाएंगे अंदर, देखिए बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया है, इटालियन वर्क जो है जमीन पे किया गया। ये जो पोर्शन था गर्म पानी का सुविधा था इसमें 3 बार, फिर दूसरा पोर्शन ठंडा पानी, फिर गुलाब जल के फाउंटेन, फिर रॉयल फैमिली यहाँ पे एंजॉय करती थी। शाहजहां 10 साल रहे, 1658 में ये सत्ता जो है औरंगजेब के हाथ में आई, औरंगजेब ने अपने भाई मार दिए, दारा सिक्को दारा सिक्का मुराद सत्ता पे काबिज हो गया। शाहजहां को अरेस्ट करके आगरा फोर्ट में रखा, वहीं से वो ताजमहल देख पाते थे, ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई, मोती मस्जिद बोलते हैं, इसी जमाने का दरवाजा है। ये मोती मस्जिद जिसे स्थापित किया है, देखिए ये जो मस्जिद है ये औरंगजेब ने अपने पैसों से बनवाई। औरंगजेब जो है खाली समय में चोटी सिलता हुआ, चौरा लिखता था, बेचता हुआ, पैसे से जो पैसा बचता था उससे उसने मस्जिद बनाई। वो नाच गाना मेरे को नहीं सुनता था, अपना समय या तो देखिए नमाज में गुजारता था, या फिर वो देखिए अपने राज्य का विस्तार करने के लिए देखिए प्लानिंग करता था। पूरी मार्बल से बनी है, इसकी एक खासियत और है इसका, जो अंदर से देखिए इसका अंदर से जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा टेढ़ा घुमाया गया, आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि अंदर जाने में आपका मुंह जो है उस तरफ में तिरछा हो जाएगा, मक्का की तरफ मुंह में नमाज पड़ी जाती है, औरंगजेब ने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा, तो उसने अंदर से पूरी बिल्डिंग टेढ़ी है, बाहर से बिल्डिंग सीधी है। कोने पर देखिए टावर था, पानी वहां से लिफ्ट किया जाता है, टावर को बोला गया शाहपुर, वहां से पानी रिलीज किया जाता था, जो नहर के द्वारा महलों के अंदर जाता था वही पानी गार्डन में घूम के आता था। ये बगीचा देख सकते हैं आप, उस जमाने का गार्डन है, इस गार्डन का नाम है हयात, मतलब जिंदगी देने वाला गार्डन। मुगल गार्डन कभी भी जाएंगे आपको 4 भागों में डिवाइड मिलेगा, विभाजित मिलेगा। ये तरीका ईरान से लेकर आए, ये तरीका था बताने का जन्नत, जन्नत में जो नदियां रहती हैं उसके बारे में कुरान में बोला गया, जन्नत स्वर्ग जो है बगीचा है, चार नदियां बहती हैं, पानी की दूध की चार भागों में दूध दिखाते थे, बहता इनमें पानी था, ये माना जाए ये अलग अलग नदियां हैं। इसके अलावा इसमें देखिए फलों के पेड़ होते हैं, पौधे जिसमें सुंदर फूल है, ये जन्नत में यही दो चीज़ें मिलती हैं, सारे अंग्रेजों ने काट दिए, दूसरे पेड़ लगाते हैं जब वो 100 साल पुराने। इस गार्डन का जो साइज है देखिए बहुत बड़ा था,
ऐसा ही हिस्सा दूसरी तरफ में था। दूसरी तरफ में देखिए बिल्डिंगें बना दी, ब्रिटिश बिल्डिंग्स बोलते हैं बैरक, यहाँ ब्रिटिश आर्मी रहती थी। इस गार्डन को निहारने के लिए शाहजहां ने दो महल बनाए, एक ये महल बनाया सावन महल बोलते हैं, एक महल उसके सामने बनाया सफेद रंग का भालू। सावन भादो दो महीने महीनों मानसून आता है, जुलाई अगस्त बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। मानसून में ये बगीचा गार्डन बहुत सुंदर हो जाता था। उसके जितने स्टैंड आए सब यही रहे, लास्ट बोलते बहादुर शाह दफर सेकंड, उन्होंने ये महल बनाया बीच वाला दफर महल बोलते हैं। शहरी करते हुए वाटर रिजॉर्ट की तरह बनाया गया, एक महल सामने बनाया हीरा महल, ताकि नदी को देख सकें, शायद उसको बारह दरी बोला जाता है। ये 1842 से 1842 में बनाया गया। देखिए 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसके लीडर बने अंग्रेज, अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा बहुत बड़ा इन्होंने आजाद करा लड़ाई था, इसको पहली लड़ाई बोली जाती है आजादी की 1857 की। खास ने अपने उसका नेता घोषित करा, उसी महीनों में ये विद्रोह दबा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको यहाँ से रंगून भेजा गया म्यांमार बर्मा। उनके बच्चों को देखिए, दो लड़के और एक छोटे को दिल्ली में मारा गया, दिल्ली में जगह कूनी दरवाजा, वो पहले गोली मारेगी फांसी में लटकाया गया। कहते हैं गर्दने काट के यहाँ दीवाने खात में लाई गई, उनके सामने दिखाने गए, आपके बच्चे ने मार दी, और लाल किले को फिर रंगून भेजा गया म्यांमार बर्मा, उनकी मृत्यु 1862 में। उसके बाद ब्रिटिश सेना यहाँ 90 साल रही, उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई पूरे एरिया में, और यहाँ पे 90 साल से उन्होंने यही पूरे हिंदुस्तान को यहीं से कंट्रोल किया। जब हमें आज़ादी मिली तो पहली बार झंडा हमने यहीं पर फहराया, जगह आपको शुरू में दिखाई, तब से हर साल हम लोग यहाँ फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ये वो जगह जहाँ पे पहली बार देखिए फुल फ्लैज वॉर स्टार्ट हुई थी 1857 में, जो फेल होगी सिपाही विक्ट्री बोला जाता है। और उसके बाद देखिए हमारे 90 साल लग गए आज़ादी को दोबारा पाने में, और जब हमें सिपाही तो हमने इसको चुना क्योंकि मुगल सल्तनत यहीं पे समाज यहीं खत्म हुआ, जिसमें 300 साल से ज़्यादा राज करा हिंदुस्तान ने। ये पूरी लाल किले की कहानी थी, मैंने आपको सुनाई, आई होप आपको मज़ा आया हो। जाते थे आपको शाहजहां का पूरा नाम भी बताता जाता हूँ, क्योंकि उनका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर साहिबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण चैकिंग शाहजहां पाशा जाजू, ये उनका पूरा नाम था। 1600 में उनकी दास पुष्टि हुई तो नाम दिया गया। शहंशाह बनने से पहले उनका नाम जो था खुर्रम था, तो ये नाम ताज पुष्टि हुई तो ये नाम दिया गया। उनका नाम मुगल हिस्ट्री में सबसे लंबा बोला जाता है। तो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर की, आई होप आपको मजा आया। मैं अमित आपका गाइड। Thank you.
ಏರಿಯಲ್ ಬಾಂಬ್ ಬಾಂಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ